हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डेबिट नॉलेज वर्ल्ड। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक लेके आया हूँ जिसका नाम है HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हम इस वीडियो में HPCL के बारे में काफी डिटेल में एनालिसिस करेंगे और साथ में यह भी प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे क्या हमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का शेयर्स बाय करना चाहिए या नहीं बाय करना चाहिए, या फिर जो लोग पहले से HPCL के शेयर्स को बाय कर रखे हैं क्या उन्हें ये शेयर को होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करके निकल जाना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो शेयर से लास्ट 3 to 4 मंथ से काफ़ी चर्चित स्टॉक्स में है, क्योंकि जब रशिया और यूक्रेन का वार हुआ था उसके बाद से लास्ट वाले क्वार्टर में HPCL को एक तगड़ा लॉस हुआ था, जिसके कारण HPCL का जो शेयर का प्राइस था जो करीब 300 के आसपास ट्रेडिंग कर रहा था, बट वो करेंटली जो उसकी करेंट प्राइस है 215 से 220 के बीच में वो ट्रेड कर रहा है। HPCL जो इतनी अच्छी स्टॉक है, ये इसके जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है काफ़ी अच्छा है। इवन जितने भी पेट्रोलियम से रिलेटेड जो भी शेयर्स हैं, चाहे वो HPCL हो, BPCL हो, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, वो सारे के शेयर्स में गिरावट आए थे ड्यू टू रशिया यूक्रेन के वार के चलते। तो हम इस वीडियो में काफी डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। स्टेप वन में हम बेसिक डिटेल HPCL के बारे में जानेंगे, स्टेप टू में मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस विद वॉल्यूम पैटर्न एनालिसिस करके बताऊंगा, और जो स्टेप थर्ड है इसमें हम इसके फाइनेंशियल को स्टडीज करेंगे कि इसका EPS क्या है, इसका हर एक क्वार्टर में कितना का प्रॉफिट डिलीवर कर रहा है। तो चलिए मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और फिर वहाँ पे काफी अच्छे से डिटेल्स में एनालिसिस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। चलिए हम लोग अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले स्टेप में मैं आपको HPCL का जो बेसिक डिटेल है वो बता दूंगा। तो यहाँ पे देख रखते हैं ये स्क्रीन, ये आपका स्क्रीनर की साइट है, यहाँ पे आके आप किसी भी स्टॉक के बारे में डिटेल में एनालिसिस खुद से भी कर सकते हैं अगर आपको हल्की फुल्की नॉलेज है। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ स्क्रीनर की साइट पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का शेयर्स मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया स्क्रीन पे। तो कहता है कि सबसे पहले यहाँ पे हम बेसिक डिटेल्स में अगर हम देखें तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको समझाऊंगा क्योंकि अगर मैं लॉन्ग करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी चली जाएगी। तो सबसे पहले हम बता दें कि HPCL का मेन बिजनेस क्या है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कहता है कि HPCL का जो मेन बिजनेस है, कहता है कि रिफाइनिंग ऑफ द क्रूड ऑयल, कहता है क्या कहता है, क्रूड ऑयल को रिफाइन करता है, तो इसका सबसे मेन बिजनेस ही है। और इसका सेकेंड वन जो है, कहता है कि प्रोडक्शन ऑफ क्या कहता है, हाइड्रोकार्बन्स, कहता है प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और साथ में क्या कहता है, रिफाइनिंग ऑफ द क्रूड ऑयल। ये दो चीज़ का इसका क्या बिजनेस का एंगेजमेंट है, ये दो बिजनेस में ये इन्वॉल्व है, लेकिन इसका जो मेन क्या है वो क्रूड ऑयल का रिफाइन करना इसका जो प्राइमरी बिजनेस है। ओके, अब नीचे इसके कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं। अब की पॉइंट्स में कह रहा है कि इसके इंडिया में टोटल 3 सेटअप हैं, मतलब तो 3 लोकेशन पे इसका जो क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है। सबसे पहला वाला जो लोकेशन है आपका मुंबई का लोकेशन दे रखा है, सेकेंड जो आपका विशाखापट्टनम का, थर्ड जो है बठिंडा पंजाब का। और कहता है कि सबसे ज़्यादा जो इसका क्रूड ऑयल का रिफाइन का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कहाँ पे, बठिंडा पंजाब में। आप अगर यहाँ पे देखें तो स्टार मार्क लगा के इन्होंने कह रखा है 50% स्टेक इन द रिफाइनरी लोकेटेड इन द कहाँ पे, बठिंडा पंजाब, विद द कैपेसिटी ऑफ 11.3 MMTPA। यानी इसका जो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी कहाँ पे है, बठिंडा पंजाब में, जो 11.3 MMTPA क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। फिर कहता है इसका यहाँ पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के बारे में दे रखा है, कहता है इसका 100% जितना भी है उसका ये अपना कैपेसिटी को क्या करता है, 100% यूटिलाइज कर लेता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। फिर इसके आगे आपको रेवेन्यू ब्रेकअप मिल जाएगा, इसका रेवेन्यू ब्रेकअप है क्या, तो कहता है कि रेवेन्यू ब्रेकअप इसका कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो कहता है कि 51% जो है इसका कहाँ से आ रहा है, हाईली स्पीड डीजल से आ रहा है, और आपका 26% यहाँ से आ रहा है, एंड देन थर्ड जो कह रहा है, कहता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी LPG 13% यहाँ से आ रहा है, तो 51% यहाँ से आ रहा है, 26% यहाँ से, और 13% यहाँ से आ रहा है। उसके बाद कह रहा है कि इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम, तो यहाँ पे इसने डेटा दे रखा है, कहता है कि इसका 2016 वाले फाइनेंशियल ईयर में कितना था, 34 मिलियन टन था, कितना था, 34 मिलियन टन था इसका सेल वॉल्यूम, कब था, फाइनेंशियल ईयर 2016 में। लेकिन अब फाइनेंशियल ईयर 2020 में इसका जो सेल टन वैल्यू कितना हो गया, 34,000 से बढ़ कितना, 39.6 मिलियन टन हो गया। यानी इसका जो था 2016 में 34 मिलियन टन था,
और 2016 वाले फाइनेंशियल ईयर में, और 2016 के फाइनेंशियल ईयर से 2020 के फाइनेंशियल ईयर में इसका 34 मिलियन टन से बढ़े कितना हो गया, 39.6 मिलियन टन हो, यानी इसका जो सेल्स वॉल्यूम में इंक्रीज हो गया। तो ये एक बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से अच्छी बात है, अगर आपका सेल्स बढ़ेगा तो ऑब्वियसली रेवेन्यू बढ़ेगी, जब रेवेन्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। और फिर कहता है कि मार्केटिंग नेटवर्क के बारे में यहाँ पे इसने दे रखा है कि इसका जो कंपनी का मार्केटिंग नेटवर्क है जो इंक्लूड क्या कर रहा है, 16,500 रिटेलर आउटलेट है, ये इसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन दे रखा है। फिर कहता है कि मार्केट शेयर, फिर कहता है कि मार्केट शेयर के बारे में इसने बताया, कहता है द कंपनी, यहाँ पे कह रहा है अगर हम यहाँ पे बात करें, कहता है द मार्क द कंपनी इज वन ऑफ द थर्ड लीडिंग पब्लिक OMC, कहता है कि जो थर्ड लीडिंग मतलब तीसरा सबसे बड़ा कंपनी है इंडिया में डोमेस्टिक मार्केट में, यहाँ पे कहता है डोमेस्टिक पेट्रोलियम मार्केटिंग में तीसरी सबसे बड़ी कंपनी, इसका कहता है 24% मार्केट शेयर इन द डोमेस्टिक पेट्रोलियम मार्केट, यानी डोमेस्टिक पेट्रोलियम मार्केटिंग में इसका 24% क्या है मार्केट शेयर है, समझ सकते हैं कि ये थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है। इसके नीचे फिर आपको यहाँ पे एग्रेसिव कैपेक्स मिल जाता है, जो यहाँ पे कह रहा द कंपनी इज अंडरटेकिंग द एग्रेसिव कैपेक्स प्लान वर्थ 39,000 crore INR फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 21 टू फाइनेंशियल ईयर 23 विच इज द इंक्लूडेड डेटा, इसने जो इसका कैपेक्स का कोई प्लान होगा इसमें कह रहा है कि 39,000 crore जो था फाइनेंशियल ईयर 21 में था, जो कि इन फाइनेंशियल ईयर 21 से फाइनेंशियल 23rd के लिए यानी 21 से लेकर 23 के लिए था, जिसमें कहता है 39,000 crore में आपका 7,200 crore क्या है, ये भी इक्विटी वाला इन्वेस्टमेंट भी क्या है इंक्लूड करता है, विच इज इंक्लूडेड इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑफ 7,200 crore। ओके 39,000 crore इसका टोटल है जो कैपेक्स का बजट है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 21 से लेकर 23 में, जिसमें से आउट ऑफ भी 7,200 crore जो कहाँ पे, ये आपका इंक्लूड इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑफ 7,200 crore। तो इसके बारे में आपको नीचे डिटेल में इंफॉर्मेशन दे रखा है, अगर आप चाहें तो इसे भी पढ़ सकते हैं। अब इसके नीचे कह रहा है कि शेयर पब्लिक एग्रीमेंट, अब इसके नीचे शेयर पब्लिक एग्रीमेंट है इम्पोर्टेंट सब्सिडरी एंड एसोसिएट, मतलब SPCL की जो सब्सिडरी होगी और इम्पोर्टेंट सब्सिडरीज एंड एसोसिएट, ये सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखा है, और एक्वायर्ड बाय ONGC। फिर कहता है कि इन जनवरी मतलब एक्वायर्ड बाय ONGC कहता है इन जनवरी 2018 ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक्वायर 51% स्टेक ऑफ SPCL फ्रॉम GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 437,000 करो। तो यहाँ पे ये सारा बेसिक डिटेल है, आप आराम से घर पे भी इसको पढ़ सकते हैं। अब इसका मैं मेन पे आता हूँ, ये बेसिक डिटेल तो मैंने मोटा मोटी आपको समझा दिया, बाकी अगर आपको ज़्यादा डिटेल में तो आप खुद इसकी कंपनी के साइट्स पे जाके पढ़ सकते हैं, या फिर कहीं यहाँ पे भी स्क्रीनर की साइट पे आकर आप इसे डिटेल्स में रीड कर सकते हैं। जाता हूँ, सबसे पहले जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो मार्केट कैपिटल है अप्रॉक्स 31,000 crore है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये इसका मार्केट कैपिटल है। और करेंट प्राइस जो चल रहा है 219 चल रहा है, और इसकी जो बुक वैल्यू है 292, यानी बुक वैल्यू 292 है और करेंट प्राइस जो है 219 है। तो ये जो शेयर है HPCL अपने बुक वैल्यू से नीचे पे ट्रेड कर रही है, ऐसा क्यों हुआ, यो इस ऐसा क्या रीज़न है कि जो HPCL को अपने बुक वैल्यू से नीचे जाके ट्रेड करना पड़ा, और वो भी इतनी अच्छी कंपनी जिसका कि मतलब HPCL मतलब थर्ड लीडिंग लार्जेस्ट कंपनी है पेट्रोलियम सेक्टर में, और हर एक क्वार्टर में बहुत अच्छा प्रॉफिट डिलीवर करती, मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा हर एक क्वार्टर में प्रॉफिट, बस लास्ट क्वार्टर में जितने भी पेट्रोलियम से रिलेटेड कंपनी थी वो सारे कंपनी का जो लास्ट क्वार्टर में वो लॉस अर्न हुआ, वो इसलिए हुआ कि उस टाइम रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध स्टार्ट हुआ था, ड्यू टू दिस रीजन से सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट मतलब जितने भी पेट्रोलियम वाली कंपनी थी, चाहे वो HPCL हो, BPCL हो, इंडियन ऑयल्स कॉरपोरेशन हो, जो भी अदर रिलायंस पेट्रोलियम हो, सभी को लॉस झेलना पड़ा था कहीं ना कहीं। तो ये इसी रीजन की वजह से क्या हुआ, HPCL का जो प्राइस, अगर हम आज से 6-7 महीना अगर जब फर्स्ट टाइम रशिया और यूक्रेन की युद्ध हुई थी उससे एक महीना पहले या उसी के आसपास अगर आप जाके देखोगे तो HPCL का जो करेंट प्राइस चल रहा था उस टाइम जो चल रहा था वो 300 के आसपास था, बट आज के डेट में इसका करेंट प्राइस 219 हो गया। ओके, और इसका जो 52 वीक हाई लो है, कहता है जो 52 वीक का जो लो बना है वो 206 है और हाई जो है 355, यानी अपने लो के जो 52 वीक लो है इसी के आसपास ये क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे मुद्दा ये आता है, क्या हमें इस शेयर में पोजीशन लेना चाहिए कि नहीं,
हमें HPCL का जो शेयर है वो क्या बाय करना चाहिए या फिर नहीं बाय करना चाहिए, या फिर वो लोग जो पहले से 300 के आसपास बाय कर रखे होंगे और वो शेयर गिर के 219 के आसपास आ गया हो, तो क्या उन्हें ये शेयर सेल करके निकल जाना चाहिए या फिर उन्हें होल्ड करके वेट करना चाहिए। ये सब चीज़ अभी हम इस वीडियो में आगे एनालिसिस करके आपको बताएंगे। अभी चलते हैं आपको लेके टेक्निकल एनालिसिस पे। तो मैं सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा कि आप खुद सोचो कि HPCL का डिविडेंड पे आउट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा। जिन्हों अगर जो HPCL में रेगुलर ट्रेडिंग करते होंगे, जो मतलब जो उन्होंने इसका शेयर बहुत पहले मतलब आज से 2-3 साल पहले ले रखा होगा, तो उन्हें तो 60-70 रुपये के आसपास डिविडेंड ही मिल गया होगा, क्योंकि HPCL हर एक साल में 15 रुपये या 20 रुपये के आसपास डिविडेंड देता है। इसका जो डिविडेंड पे आउट अच्छा है, इवन इससे अच्छा ज़्यादा अच्छा BPCL का भी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का है, बट HPCL का भी नॉट बैड, इसका भी अच्छा है। ओके, तो जो लोग पहले से ले रखे होंगे उन्होंने तो ऑब्वियसली डिविडेंड से पैसा तो कमाया ही होगा, लेकिन थोड़ा सा भी शेयर्स का प्राइस क्या हुआ, गिर गया है, और जिसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि हमें बेच के निकल जाना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए। तो अभी हम टेक्निकल एनालिसिस पे लेके चलते हैं और वहाँ पे हम सारी चीज़ डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि क्या कहता है इसका टेक्निकल एनालिसिस और क्या कहता है इसका वॉल्यूम पैटर्न का चार्ट। ये आपका HPCL का चार्ट जो कि मैंने यहाँ से आपका डे में खोल रखा है, फिर मैं आगे आपको 1 वीक पर भी थोड़ा स्टडी करके बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा डे पे आता हूँ चार्ट के। तो डे पे आता हूँ तो सबसे पहले मैं HPCL की आपकी जो डिविडेंड डेट है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे जो लास्ट डिविडेंड जो HPCL ने दी है वो 22 अगस्त को दिया है, जिसकी की पेमेंट डेट आपको दिख रही होगी 29 सितंबर है, जो कि 14 रुपये के आसपास दिया है, 14 रुपये के आसपास डिविडेंड, 14 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड पे आउट है। इससे पहले जो HPCL ने डिविडेंड दिया था वो आपका 2021 में दिया था, जो कि 22.75 पर शेयर, तो आप समझ सकते हैं कि 22.75 पर शेयर डिविडेंड 2021 में मिला था। अगर उससे पहले हम देखें तो 2020 में आपका 9.75 दिया है डिविडेंड, अगर उससे पहले में अगर हमें देखें और तो आपका यहाँ पे दिखा रहा है डिविडेंड यहाँ पे 9 रुपये 40 9.40 पर शेयर, यानी 2019 में 9.40 पर शेयर डिविडेंड पे आउट है, 2020 में 9.75 पॉइंट पर शेयर है, और 2021 में 22.75 सबसे हाईएस्ट अभी फिलहाल यहीं पे मुझे दिखा 22.75 यहाँ पे आपको मिला है। तो और 2021 में और 2022 में 2022 में जो आपको मिला है 14 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड, आप देख सकते हैं कि अप्रोक्स हम कह सकते हैं कि 10 रुपीज़ पर शेयर के आसपास ये डिविडेंड हर साल दे ही रहा है। अगर मिनिमम अगर हम थोड़ा और पीछे डेटा जाके एनालिसिस करते हैं, तो आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे दिख रहा है 6.50, फिर यहाँ पे दिख रहा है 2.0, यानी पीछे थोड़ा कम था इधर, मतलब अप्रोक्स कह सकते हैं कि इधर लास्ट 3-4 ईयर से 10 रुपीज़ के आसपास, यानी 10 रुपीज़ पर शेयर के आसपास क्या कर रहा है ये डिविडेंड HPCL क्या कर रहा है दे रहा है, HPCL दे रहा है। अब हम यहाँ पे आपको अगर हम चार्ट की बात करें तो हम अगर यहाँ पे देखें तो सपोर्ट की बात करेंगे, ये डेली चार्ट, ये डेली बेसिस पे चार्ट का पैटर्न है। अगर हम यहाँ पे सपोर्ट की बात करें तो कह सकते हैं कि एक सपोर्ट यहाँ पे मेरा बन रहा है, एक सपोर्ट मेरा कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, जो कि करीब कितना 206 के आसपास सपोर्ट है। तो सबसे पहला वाला जो सपोर्ट यहाँ पे मेरे पास बन रहा है, ये जो बन रहा है कितने के आसपास बन रहा है, 206 पॉइंट, यानी 206 पॉइंट के आसपास बन रहा है, और करेंट इसका जो मार्केट प्राइस है आपका कितना चल रहा है, करेंट ये चल रहा है ट्रेड कर रहा है 218 के आसपास कर रहा है। अगर वॉल्यूम पैटर्न की हम बात करें, अगर हम थोड़ा सा वॉल्यूम यहाँ से जूम आउट करते हैं, और नीचे से चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, तो अगर वॉल्यूम पैटर्न की बात करें तो सीधी सी बात है भी शेयर में थोड़ी सी गिरावट है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम में भी उछाल, मतलब सेलर मतलब वॉल्यूम में रहा तो वॉल्यूम में भी हल्का, मतलब वॉल्यूम तो बड़े बड़े मतलब प्लेयर्स हैं यहाँ पे, अगर वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शेयर में क्या है, सीधा गिरावट यहाँ से दिखा है, यहाँ के बाद सीधा शेयर से यहाँ गिरा, फिर यहाँ से फिर वापस यहाँ पे चढ़ा, वापस से गिरा। तो यहाँ के बाद अगर हम वॉल्यूम की एनालिसिस करें तो देखा है कि वॉल्यूम में भी क्या है, फॉल डाउन फॉल है, यानी वॉल्यूम में भी क्या है, गिरावट इसकी जगह, और इसके साथ ये भी दिख रहा है कि ग्रीन के कंपेयर मुझे ज़्यादा रेड वॉल्यूम ही दिख रहा है। तो इससे ये मतलब आपको पता लग जा रहा है कि अभी थोड़ा सा शेयर में एक गिरावट बना हुआ था जो कि गिर चुका है, मतलब एक रेंज था जो ऊपर 266 से नीचे गिरते हुए
266 के पास जो ट्रेड कर रहा था, तो वहां से नीचे दो मतलब 253 पे आया और फिर वहां पे थोड़ा सा स्टिक किया, वापस वहां से नीचे आया और अभी फिलहाल 215 से 20 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। और इसके जो पहला सपोर्ट जोन है आपका 206 है, अगर मान लीजिए कि 206 वाला सपोर्ट जोन को क्या करता है, ब्रेकआउट करता है, तो उसके बाद मुझे जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा चार्ट को और मिनिमाइज करूँगा। अगर ये 206 को ब्रेकआउट करता है तो इसका जो दूसरा सपोर्ट है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 163 के आसपास दिख रहा है, 163 के आसपास दिख रहा है जो दूसरा सपोर्ट है, और पहला सपोर्ट कितना दिख रहा है 206.7 के आसपास। तो अब सवाल ये बनता है कि जिन्होंने ये स्टॉक को पहले से बाय कर रखा है, क्या वो शेयर्स को होल्ड करके रखें या फिर एग्जिट करके निकल जाए। तो एज पर जो मैं टेक्निकल एनालिसिस में देख रहा हूँ या फिर जो आप लोग भी देख रहे होंगे, तो यहाँ पे 206 के आसपास सपोर्ट है, तो जिन्होंने पहले से होल्ड कर रखा है तो मैं उन्हें एक मेरे तरफ से एक रेट वाइज है तो मैं उन्हें 200 तक होल्ड करना चाहिए शेयर को। अगर ये 200 से नीचे चला जाता है तो फिर उन्हें एग्जिट लेना चाहिए, अगर ये ऊपर की ओर बढ़ता है तो उन्हें स्टॉक में बने रहना चाहिए कि स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, बस लास्ट क्वार्टर में स्टॉक ने क्या किया, लॉस अर्न किया है, इसके अलावा इस स्टॉक में और कोई इशू नहीं है। बाकी HPCL अच्छी है, जल्दी से रिकवर भी कर जाएगी और वापस आपको मतलब अगर सब कुछ सही रहा तो वापस से आपको इसका जो प्राइस लेवल है 300 के आसपास देखने को मिल सकता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो मैं कहता हूँ कि जिन्होंने पहले से होल्ड कर रखा है उन्हें 200 तक वेट करना चाहिए, बेच के नहीं निकलना चाहिए। तो अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या मैं फ्रेश एंट्री ले सकता हूँ। तो फ्रेश एंट्री आप बिल्कुल अगर आप कह सकते हो तो जहाँ तक मुझे समझ में आया, अगर मैं यहाँ पे होता तो मैं यहाँ पे फ्रेश एंट्री इस स्टॉक में जरूर लेता, इस लेवल पे मैं वेट नहीं करूँगा 206.7 आने का। क्या हो सकता है कि स्टॉक 206.7 के नीचे भी आए, हो सकता है, या फिर हो सकता है कि यहाँ से ही ऊपर यूटर्न ले लें, क्योंकि स्टॉक में ऑलरेडी काफ़ी गिरावट पहले से ही देखी जा चुकी है। तो अब और 206 के पास जो सपोर्ट एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, और इसके बाद जो सेकेंड सपोर्ट है आपका 163 के आसपास है, वो इससे तगड़ा वाला सपोर्ट है। तो 206 के पास जो सपोर्ट है, तो जो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो वो बिल्कुल इस प्राइस पे एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क के हिसाब से। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो में बोल रहा हूँ कि आप एंट्री बाय कर लो तो आप इस वीडियो को देख के जाके आप स्टॉक को बाय कर लो, नहीं, आप खुद से एनालिसिस करो, खुद से समझो, क्योंकि इसमें रिस्क आपका, पैसा आपका है। हमारा वीडियो देख के आप बिल्कुल शेयर मत करो, बस मैं एक टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से बोल रहा हूँ कि 206 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट है स्टॉक में, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ और मैं भी 200 तक का वेट करूंगा। अगर 200 से नीचे ब्रेकआउट करता है तो मैं एग्जिट कर लूंगा, क्योंकि फिर मुझे लंबे समय तक रुकना पड़ सकता है इस स्टॉक में, लेकिन अगर यहाँ से ऊपर की ओर बना रहता है तो फिर मैं इस स्टॉक में मतलब न्यू पोजिशन ले सकता हूँ 200 के स्टॉप लॉस के साथ। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीकली चार्ट पे आता हूँ, थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। अगर वीकली चार्ट पे आता हूँ, थोड़ा सा आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये अपना जो है वीकली चार्ट है, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो सबसे पहला जो अपना जो है हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ, अगर आप यहाँ पे देखें तो एग्जिट जो ये वाली लाइन है, ये मैंने थोड़ा सा लाइन को बोल्ड मैंने कर दिया और इसको मैं एग्जिट 207 पे सेट कर देता हूँ। इस लाइन को मैं 207 पे सेट कर देता हूँ इस लाइन को। अब ये देखिए 207 पे मैंने इस लाइन को सेट कर दिया। अब देखिए 207 के आसपास कितना अच्छा सपोर्ट जोन है, और उसके बाद देखा जाए तो एक बार स्टॉक में गिरावट आई है, उसमें कोई डाउट नहीं कि स्टॉक में गिरावट आई है। अगर आप देखें तो यहाँ के बाद सीधा यहाँ पे गिरावट लंबा दिखने को मिला एक पॉइंट तक, उसके बाद फिर देखें तो वापस से स्टॉक में क्या हुआ, यहाँ से अप ट्रेंड भी देखने को मिला। यहाँ से देखें तो ये अप ट्रेंड भी वापस यहाँ पे मिला, जो कि आपको 265 के आसपास गया, और वापस 265 से वापस क्या हुआ आपका, अभी जो करेंट चल रहा है आपका 218 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये ना कहीं एक सपोर्ट जोन के आसपास, और इससे पहले भी देखे तो यहाँ पे भी एक मतलब सपोर्ट आपको दिख रहा होगा। अगर एक वर्टिकल लाइन में आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं आपको वर्टिकल लाइन दिखाता हूँ, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे भी देखे तो एक यहाँ पे भी कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन बन रहा है। इसको मैं आपको रेड कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ ताकि विजिबिलिटी आपकी अच्छी हो। यहाँ से बोल देता है, थोड़ा सा इसको मैं बोल्ड करता हूँ। और दूसरा आपका एक जो सबसे बेस्ट वाला सपोर्ट है
वो आपका सेम है, एक यहाँ पे भी है। तो समझ सकते हैं कि एक जो आपका सपोर्ट लेवल बन रहा है इस लेवल पे बन रहा है और यहाँ पे भी है, लेकिन ये प्रीवियस सपोर्ट है। तो मैं कहूँगा कि आप इस स्टॉक में बिल्कुल मतलब फ्रेश पोजीशन ले सकते हैं, एज पर एनालिसिस आप भी एनालिसिस कर सकते हैं। और 200 पे आप क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस पुट कर सकते हैं। अगर 200 से नीचे आया तो वो स्टॉक में भी नीचे जा सकता है, अगर नहीं आया तो ऊपर जाएगा। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है कि स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुका है और काफ़ी अच्छी स्टॉक है, अभी इस क्वार्टर में प्रॉफिट डिलीवर करेगा, ऑब्वियसली स्टॉक क्या होगा ऊपर भाग जाएगा। तो कोई डाउट नहीं है कि HPCL और डिविडेंड पे और ट्रैक भी इसका अच्छा है। अगर मान लिया जाए कि 200 का लेवल ब्रेकआउट करता है, तो जो आपको नेक्स्ट जो आपका अगर 200 का लेवल भी अगर ये ब्रेकआउट करता है, तो आपका जो नेक्स्ट लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो आपका मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा 163-162 पे राउंड अप करता हूँ। अगेन इसको लाइन पूरा लेता हूँ, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड करता हूँ और इसको मैं 160 पे चलो करें। इसे तो 162 आ रहा है, लेकिन चलो मैं 160 पे कर देता हूँ, क्योंकि 160 तो जो आपका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल दिख रहा है 162 ही रहना है, क्योंकि 162 पे एग्जैक्ट इसका सेकेंड लेवल वाली सपोर्ट है। तो सेकेंड लेवल वाली जो इसकी सपोर्ट है 162 के आसपास है। तो पहला सपोर्ट आपका 207 बन रहा है, अगर 200 का लेवल ये ब्रेक आउट करता है तो हो सकता है कि 160 के आसपास भी जाए, बट ऐसा कम प्रोबेबिलिटी है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये ऊपर ही जाएगा। तो और वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल वॉल्यूम वीकली में देखें तो कॉन्स्टेंट चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं कि बहुत ज़्यादा है वो है। तो मे भी यहाँ से अगर आप भी देखें तो, और दूसरी बात है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म गिनने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं आपको दिख रहा है मतलब, तो ऊपर की ओर बायर जोर लगा रहा है शेयर को ऊपर ले जाने के लिए, बट अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर मतलब 100% में 80% प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर ये स्टॉक जाएगा अगर सब कुछ सही रहा। हो सकता है कि भाई मार्केट में एग्जिट प्रिडिक्शन करना थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो एग्जिट प्रिडिक्शन हम नहीं कर सकते, तो ये आपका टेक्निकल एनालिसिस है। अगर आपको इसमें कुछ और डिटेल, हाँ अगर प्रॉफिट टेक की बात करें तो सबसे पहला आपका टारगेट प्रॉफिट टेक अगर ऊपर की ओर जाता है 250 रहेगा, पहला टारगेट प्रॉफिट रहेगा, और दूसरा आपका 300 आप लेके चल सकते हो। अगर हम पहला प्रॉफिट टारगेट करें तो आपका 250 कह सकते हैं कि 250 तक जाना चाहिए सबसे पहला, जब मैं 250 पे लाइन सेट कर देता हूँ, ऐसे तो आ रहा है इतना, बट 250 ही मैं रखता हूँ। पहला जो आपका टेक प्रॉफिट टारगेट होगा 250 होगा, फिर दूसरा अगर हम दूसरा टेक प्रॉफिट टारगेट की बात करें तो आपका ये हो सकता है 266 हो सकता है, और तीसरा आप 300 ले सकते हैं, ये आपका टेक प्रॉफिट टारगेट होता है। ये आपका जो है टेक्निकल एनालिसिस है, तो टेक्निकल एनालिसिस से हमें ये पता लगे 207 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है 163 के आसपास है, जो कि तगड़ा वाला सपोर्ट है 163 के आसपास। इवन डबल बॉटम पैटर्न पे आप अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे सपोर्ट आपको दिख रहा होगा, ये देख आपको ड्रॉ करके लाइन दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं ऐसे करके वापस यहाँ पे है, यानी कह सकते हैं ये एम पैटर्न में सपोर्ट है, तो काफ़ी अच्छी सपोर्ट है। और अगर यहाँ पे भी देखें तो ये वी पैटर्न में सपोर्ट बन रहा है, तो डबल बॉटम सपोर्ट कह सकते हैं एक तरह से, तो वी पैटर्न में सपोर्ट बन रहा है, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक को यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए। बाकी देखते हैं अभी क्या होता है, मार्केट आगे ओपन होता है। तो अब मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस बता दिया, आप थोड़ा सा फाइनेंशियल एनालिसिस डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। तो फाइनेंशियल एनालिसिस में हम देखेंगे HPCL का 3 अच्छा पॉइंट है। अब ऐसा 3 अच्छा पॉइंट कौन कौन सा है, तो पहला कहता है कि स्टॉक इज ट्रेडिंग 0.7 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, मतलब जो इसका बुक वैल्यू है उसके कंपेयर अगर स्टॉक क्या कर रहा है, कम पैसे पे ट्रेड कर रहा है। इसकी बुक वैल्यू कितना है, इसकी जो बुक वैल्यू है 292 है, बट करेंट प्राइस कितना है 219 है, यानी बुक वैल्यू 292 और जो करेंट प्राइस है 219 है, तो यानी बुक वैल्यू से कम पे ट्रेड कर रहा है, एक अच्छी बात है। दूसरा कहता है कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, अब कहता है कि ऑब्वियसली बात है कि कंपनी हर क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट अर्न करती है, मैं आपको आगे चल के इसी में दिखाऊंगा फाइनेंशियल एनालिसिस में, तो ऑब्वियसली आने वाले क्वार्टर में भी हर किसी की उम्मीद है कि कंपनी अब प्रॉफिट कमाए, कि लास्ट क्वार्टर में रशिया और यूक्रेन के वार के चलते कंपनी को लॉस, मतलब जितने भी पेट्रोलियम से रिलेटेड कंपनी थे सभी को लॉस कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा था। एंड थर्ड जो इसका अच्छा बात है, अच्छी बात है इसके शेयर्स में, कहता है कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट,
कहता है कंपनी एक अच्छा डिविडेंड पे आउट कर रहा है और उसको मेंटेन भी कर रहा है, ऐसा नहीं कि एक साल पे कर दिया दूसरा साल नहीं, कहता हर एक साल पे कर रहा है। इवन हमने अभी आपको चार्ट में भी दिखाया था कि 9.40, 9.75, 22.75 लास्ट फोर ईयर्स में दिखाया था कि करीब कंपनी 10 रुपीज के आसपास हर एक साल पर शेयर डिविडेंड पे आउट कर रही है। अब अगर निगेटिव बात की, निगेटिव पॉइंट की बात करिए तो 3 इसके पॉजिटिव पॉइंट, अगर निगेटिव पॉइंट की बात करें तो कहता है कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये थोड़ी स्क्रीन है। दूसरा कहता है कंपनी माइट बी कैपिटलाइज्ड इन द नियरेस्ट कॉस्ट, ये दो इसके क्या है निगेटिव पॉइंट है, बट कोई ऐसी कोई बात नहीं कि बहुत बड़ी है। कंपनी माइट बी का मतलब हो सकता, काफ़ी कम प्रोबेबिलिटी है। मस्ट बी का मतलब होता है होना है, कैन बी मतलब माइट बी वहाँ पे यूज बढ़ गया था जहाँ पे नाम मात्र की संभावना है। तो पहले 3 अच्छे पॉइंट भी है, तो ऑब्वियसली हर किसी कंपनी में कुछ अगर पॉजिटिव पॉइंट होते हैं तो कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसके मेन मुद्दा पे आते हैं कि इसका कंपेरिजन क्या है, पीयर कंपेरिजन क्या है। तो कहता है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL, MRPL एंड CPCL और ऊपर इंडस्ट्रियल। तो कहता है ये सारे के साथ इसका क्या है पीयर कंपेरिजन है। अगर हम बात करें अब इसकी सेल्स की, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो सेल्स है आपका क्वार्टर वाइज दे रखा है, जून सितंबर दिसंबर मार्च। तो आप देख रहे हो कि इसका जो सेल है ना क्वार्टर वाइज दे रखा है, तो मैं सेल में ज़्यादा कुछ आपको नहीं बताऊंगा। आप यहाँ पे देखो कि जून में 71,000 इतना का सेल हुआ, फिर सितंबर में 60,000 इतना का, और ये कब का पीरियड है 2019 का, जिस टाइम थोड़ा सा कोविड आया था। तो यहाँ पे 66,000, 37,782। तो अगर हम बात करें कि 2019 से लेके 2020 दिसंबर वाले क्वार्टर तक, अगर हम बात करें कि 2019 के जून वाले क्वार्टर से लेके दिसंबर 2020 वाले क्वार्टर तक, तो इस वाले क्वार्टर में थोड़ा सा सेल में अप एंड डाउन दिखाई पड़ा है कंपनी, यानी कहीं पे ज़्यादा सेल हुआ है और कहीं पे कम सेल हुआ। अगर यहाँ पे देखें तो आपको पता होगा कि उस टाइम थोड़ा सा कोविड का सिनेरियो भी चल रहा था, कोविड का, तो इसके वजह से थोड़ा सा इसका देख लो सेल में कहीं पर बहुत, यहाँ पे जैसे जून 2020 में 37,782 करोड़ का है, यहाँ पे फिर 51,000 बढ़ जाता है, फिर 68,000, फिर यहाँ पे पीछे, तो थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर फ्लक्चुएशन देखने को मिला है। लेकिन अगर इसके बाद की हम बात करें मार्च 2021 से, अगर यहाँ से हम बात करें मार्च 2021 से आपका, तो इसके बाद से आप देखो तो इसका सेल हर क्वार्टर में कहीं ना कहीं क्या हुआ इंक्रीज हुआ। अगर मार्च 2021 में बात करें तो यहाँ पे 74,905 के बाद सिर्फ जून वाले 2021 क्वार्टर में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, लेकिन वापस सितंबर वाले क्वार्टर, दिसंबर और मार्च 2022 और जून 2022 हर एक क्वार्टर में क्या हुआ इसका जो सेल है इंक्रीज किया है। तो एक अच्छी बात है सेल इंक्रीज किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लास्ट वाला आपको क्वार्टर दिख रहा है ये देखिए यहाँ पे आपको 8,557 करोड़ का क्या है लॉस अर्न हुआ है। ये क्यों हुआ था, इंडिया और यूक्रेन के वार के चलते। अगर इस वाले क्वार्टर को आप हटा दें, इस वाले क्वार्टर को अगर हम रिमूव कर देते हैं, तो आप यहाँ से यहाँ तक देखें तो इसका किसी भी क्वार्टर में लॉस आपको नहीं दिख रहा, एक एक्सेप्ट मार्च 2020 वाले क्वार्टर में 28 करोड़ का लॉस दिख रहा है, जो कि ना इतनी बड़ी कंपनी के लिए कोई मैटर नहीं रखता। 28 करोड़ का लॉस दिख रहा है, ये वो मार्च 2020 वाले क्वार्टर में दिख रहा है। बाकी अगर इस वाले क्वार्टर को रिमूव कर दें, लास्ट क्वार्टर तो वो पता है कि इंडिया और यूक्रेन के वार के चलते इसे लॉस झेलना पड़ा, और बाकी अगर इसको हटा के देखें तो हर एक क्वार्टर में ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट ही अर्न किया, और प्रॉफिट के साथ भी आपको देखने को मिल रहा है कि प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ, मतलब ऐसा नहीं कि हर क्वार्टर यहाँ पे 870 करोड़ से 762 करोड़, फिर यहाँ पे थोड़ा सा घटा वापस से बढ़ गया, इस वाले क्वार्टर में लॉस इसने अर्न कर लिया, बस यहाँ से फिर 2,253 करोड़ से 2,976, 2,376, फिर 3,000, यानी कहीं ना कहीं एक क्वार्टर में प्रॉफिट बढ़ रही है, दूसरे क्वार्टर में थोड़ी सी घट रही है, तो कंपनी उतना चलता है। और फाइनली देखा जाए तो लास्ट वाला क्वार्टर में इसने लॉस अर्न किया, जिसके वजह से क्या हुआ इसका मार्केट प्राइस गिरा, अदरवाइज ये जो HPCL है 300 के आसपास ही ट्रेड इसे कन्वर्ट, इसकी रीजन के कारण क्या हुआ इसे इस क्वार्टर में लॉस खाना पड़ा। अब यहाँ पे प्रॉफिट इज लॉस में हम बात करें तो यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन, अदर इनकम, इंटरेस्ट, ये डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ईपीएस के देखिए इसका अर्निंग पर शेयर कितना अच्छा है, लास्ट क्वार्टर की तो खैर छोड़ दीजिए जिसमें लॉस है इसका, इसके अलावा देखिए इसका ईपीएस कितना अच्छा, हर एक क्वार्टर में इसका अर्निंग, यहाँ सॉरी यहाँ पे क्वार्टर, यहाँ पे हम ईयर वाइज कंपेयर कर रहे हैं, तो हर एक
ईयर में इसका कहीं ना कहीं ईपीएस भी कहीं ना कहीं शेयर्स का अर्निंग पर शेयर्स भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज कर रहा है। तो ऑब्वियसली है कि स्टॉक अच्छा है, इन फ्यूचर पॉजिटिव भी पॉजिटिव रिस्पांस भी रहने वाला है। और नीचे अगर आप देखें तो आप ये कंपाउंडेड सेल्स ग्राउथ है, कंपाउंड ग्रॉथ प्रॉफिट ये सारा दे रखा है निकाल के। स्टॉक प्राइस सीएजीआर भी दे रखा है, 10 साल में इतना का है, 5 साल में इतना ये दे रखा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 10 ईयर्स में 22% का है, 5 ईयर्स में 23% का है, 3 ईयर्स में 20% का है, लास्ट ईयर आपका 18% है। यहाँ पे अगर आप बैलेंस शीट की तो आप एक बैलेंस शीट भी दे रखा है आपका, ये मार्च 2011 से लेकर आपका मार्च 2022 तक आपका दे रखा है, ये दे रखा है आपका बैलेंस। तो आप बैलेंस शीट भी एनालिसिस कर सकते हैं। अगर मैं हक तो करूँ तो अगर यहाँ पे आप देखिए बैलेंस शीट भी दे रखा है हर एक ईयर का, तो आप बैलेंस शीट भी कंपेयर कर सकते हो। अगर मैं कंपेयर करूँ तो वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं इसको यहीं पे फिनिश करता हूँ। बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देख लेते हैं इसका थोड़ा सा। देखो कितना अच्छा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हर एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसका जो ऑपरेटिंग मेन बिजनेस से इनकम बढ़ रहा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कंपनी जितना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कंपनी का निगेटिव ही रहना अच्छी बात है, क्योंकि इन्वेस्टिंग मतलब होता है कंपनी ने कहीं दूसरे कंपनी में पैसा क्या कर रखा, इन्वेस्ट कर रखा। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी कंपनी का देखो कितना अच्छा है, निगेटिव है, अच्छी बात। कैश फ्रॉम द फाइनेंशियल एक्टिविटी ये थोड़ा सा कहीं पे पॉजिटिव है कहीं पे नेगेटिव, बट ओवरऑल कंपनी में कोई दिक्कत नहीं। इन फ्यूचर पक्का ये 300 जाने वाली है एज पर एनालिसिस। बट फिर भी आपको मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आपका स्टॉक बाय। यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ इसका, यहाँ पे आपको मिल जाएगा सारा इसके रेशियो दे रखा है। ये आपका जो डेटर डेज है 7 है, इन्वर्टर डेज 40 है, डेज टेबल जो है 30 है, आपका वर्किंग कैपिटल डेज यहाँ पे है, ये सारा रेट ऑफ रिटर्न कैपिटल। यहाँ पे अब थोड़ा सा बात करते हैं कहाँ कहाँ इसके पास शेयर्स है। अगर हम लास्ट क्वार्टर की बात करें जून 2022 में, तो आप देख सकते हैं 54.90% किसके पास है, प्रमोटर्स के पास है इसके शेयर्स। 18.21% किसके पास है, FFI के पास है, DII के पास है 16.41%, 10.47% किसके पास है, पब्लिक के पास। तो आपको पता है कि FI और DII जो होते हैं कितने चालाक होते हैं, ये अपना पैसा कहीं भी यूं ही इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ये इन्वेस्ट करने से पहले अपनी पूरी प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, देन ही अपना पैसा क्या करते हैं मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है जब FI DII इतने बड़े बड़े 18.21% का स्टेक है, आपका DII का 16.41% का स्टेक है, तो ऑब्वियसली है कि स्टॉक अच्छा है। थोड़ा सा लास्ट क्वार्टर में लॉस होने के कारण स्टॉक में गिरावट दिखी है, बट आई होप इस क्वार्टर अच्छा प्रॉफिट लेवर करे, वापस से स्टॉक ऊपर की ओर पुल आउट करे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।